वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है गार्डनिंग विद हर्ष पर। और मैं हर्ष आपके लिए आज एक फिर से नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं अडेनियम की सीडलिंग्स के ऊपर कि उनकी कैसे केयर करनी चाहिए हमें, कैसे उनको फर्टिलाइज़ करना चाहिए और उनके साथ क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि वो हमारी सीडलिंग जो है वो एक अच्छे प्लांट के रूप में कन्वर्ट हो सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो हमारी अडेनियम की सीडलिंग्स होती हैं उन पे हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। ये जो आप मेरे सामने तीन सीडलिंग देख रहे हैं ये अडेनियम अरेबिकम की सीडलिंग है। एक्चुअली मैं जो हूँ वो अरेबिकम की ही सीडलिंग करता हूँ मोस्टली, और ओबेसम की सीडलिंग मैं नहीं करता हूँ। आपको मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बताया हुआ है कि ओबेसम और अरेबिकम में क्या डिफरेंस है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक पर जा करके, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जा करके उसको देख सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली आप देख रहे होंगे तो मैंने ये जो हमारा अरेबिकम है इसकी खासियत यही होती है कि ये जो है मल्टीपल ब्रांचेस में मतलब जो है ग्रो करता है और जो इसके नीचे का जो कॉडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो ये जो तीन सीडलिंग्स हैं ये तीनों अलग अलग वैराइटीज़ की हैं और इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि जब हमारी ये इनिशियल स्टेज पर होती हैं तो इनको ट्रांसप्लांट के बाद में अक्सर ये जो होती हैं वो ख़राब होने। हमें जो इनके लिए पॉटिंग मिक्स बनाना है वो पॉटिंग मिक्स में हम जो है 70% जो है मोटी मोरंग लेंगे और 20% जो है इसमें कंपोस्ट लेंगे और 10% जो है इसमें कोकोपीट मिलाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो पॉटिंग मिक्स होगा वो बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन होगा और उसके अंदर मॉइस्चर भी कंटेन रहेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि जो है इनमें पानी कम देना चाहिए, लेकिन सीडलिंग जो होती हैं उनमें पानी का जो मॉइस्चर होता है वो लगभग बना ही रहना चाहिए उसमें, कभी उसकी जो पॉटिंग मिक्स है वो सूखनी नहीं चाहिए ज़्यादा। अच्छा, फिर इसमें क्या करना होता है कि जैसे हमारा धीरे धीरे करके स्टेज बढ़ती जाती है और प्लांट में मल्टीपल ब्रांचेस आना शुरू हो जाती हैं। अक्सर देखा होगा आपने कि इसकी जो सिंगल ब्रांच ग्रो करने लगती है तो लोग ऊपर से कट कर देते हैं। सिंगल ब्रांच हमारी तभी कट करती है जब हमारे जो पॉटिंग मीडिया है उसके अंदर रूट्स का फैलाव जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा होता है। जब हमारी रूट्स का जो फैलाव है वो अच्छे से होने लगता है तो उनमें मल्टीपल ब्रांचेस अपने आप ही आने लगती हैं। तो इनमें एक चीज़ तो हमें पॉटिंग मिक्स की ध्यान देनी है। दूसरी चीज़, वाटरिंग हमें रेगुलर बेसिस पे हमें करनी है। बस इसमें जो है वो सारा के सारा जो है ये ड्रेनेज होल से इनकी सारी की सारी जो पानी है वो निकल जाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कितने सारे इसमें ड्रेनेज होल बने हुए हैं। ये देखिए, मोस्ट ऑफ द मोस्ट जो हैं आपके ड्रेनेज होल सबसे ज़्यादा होने चाहिए। दूसरी चीज़ जो है इनमें फर्टिलाइज आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग फेज में जब ये प्लांट ग्रो कर रहे हों तो आपको इनके फर्टिलाइजेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इनमें सिर्फ हमें 12:61 जो NPK है उसका हमें सबसे ज़्यादा प्रयोग करना है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो हमारी फोलेज बढ़ाती है और जो फास्फोरस होगी वो हमारे कॉडेक्स पे काम करेगी, जो हमारे स्टेम्स हैं उनमें काम करेगी। और फास्फोरस की अगर कमी होगी तो प्लांट जो है हमारा सिंगल स्टेम का हो जाएगा। तो इसलिए फिर जो है आपको इसमें 12:61 का प्रयोग करना है। हर 15 दिन के अंदर जो है लगभग 1 चम्मच आपको जो है 1 लीटर पानी के अंदर घोल करके और अच्छे से स्प्रे करना है। फिर उसके बाद में हमें एक और चीज़ का ध्यान देना है, इसमें जो है हमें रेगुलर बेसिस पे फंजीसाइड का भी स्प्रे करना पड़ेगा। अगर फंजीसाइड का स्प्रे नहीं करेंगे, जिस तरह के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रैकनेस आ रही है, देखिए प्लांट में इस जगह पे देखिए यहाँ पे बहुत सारी क्रैकनेस टाइप की आपको दिख रही है। ये इसलिए आती है क्योंकि प्लांट जो होता है हमारा तेज़ी से ग्रो करता है जब उसको पानी वगैरह अच्छे से मिलता है या शावरिंग उस पर अच्छे से होती है पानी की, तो ये अच्छे से ग्रो करना शुरू होता है, तो इसमें थोड़ी सी क्रैकनेस आने लगती है। अगर इस टाइम पे हमने इसको कॉन्टैक्ट फंजीसाइड नहीं दिया या सिस्टमेटिक फंजीसाइड का मिक्सचर हमने बना के नहीं दिया तो इसमें फंगस का भी अटैक हो सकता है। एक प्रॉब्लम अक्सर इसमें आती है कि इसके जो कॉडेक्स होते हैं वो पिलपिले से लगने लगते हैं। जैसे कि आप ये देखिए मेरे पास एक ये है, तो इसमें जो है वो थोड़ा सा पिलपिला लगने लग रहा है। तो ये जो इसमें जो आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट कॉडेक्स कह सकते हैं या फिर जो कुछ भी होता है वो आपको इसलिए लग सकता है कि इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो इस पर फंगस का अटैक हो सकता है तो अंदर से ये सड़ना शुरू हो जाता है, और दूसरी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है इसमें डिहाइड्रेशन की। जब कभी भी प्लांट को अगर आप सीडलिंग जो होगी हमारी अगर उसको आप 3 से 4 दिन भी अगर पानी नहीं देंगे तो उसमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी और उसके जो कॉडेक्स होंगे वो हमारे जो है वो पिलपिलाने ऐसे लगेंगे, यानी कि जैसे एक तरीके से देख सकते हैं कि आपको सॉफ्ट से हो जाएंगे। तो जैसे ही आप उस पर पानी के अच्छे से शावर करेंगे तो उसमें वो फिर से ही हार्ड हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और पहचानना बहुत ज़रूरी है इसको सही समय पर कि हमारे प्लांट में कि उसमें फंगस का अटैक हुआ है या फिर इसमें डिहाइड्रेशन हुआ है। डिहाइड्रेशन होने पर जो है वो आपको सॉफ्ट तो लगेगा आपको स्टेम, लेकिन
उसमें आपको जो है कोई भी बाहरी सिम्टम नहीं दिखाई देंगे, जैसे पत्तों का गिरना, या अगर जब आपके कभी भी पीले होकर के पत्ते गिरने लगे तो समझिए उसमें फंगस का अटैक हो रहा है। अगर आपने इसमें कॉमनली देख रहे हैं कि सिर्फ इसमें पत्ते तो सही हैं लेकिन इसके कॉडेक्स जो है वो सॉफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके प्लांट को डिहाइड्रेशन हुआ है, तो आपको इसमें पानी अच्छे से देना है। दूसरी चीज़, जैसे विंटर वगैरह आने वाली हैं तो आपको विंटर में ध्यान देना है इस पर, यह है कि इसके सारे जो पत्ते हैं वो गिर जाएंगे, और इसमें पानी देना आपको बिल्कुल बंद कर देना है। अगर आप इसमें पानी देंगे तो वो कॉडेक्स आपका सड़ने के चांसेस होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।